हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th में, जहां पर हम लोग कर रहे हैं केमिस्ट्री। यूनिट 3 हमारी चल रही है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। हम लोग प्रॉपर्टीज़ जो है वो पढ़ रहे थे और आज हम लोग उसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी डी है, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी। सबसे पहले तो जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रॉन गेन मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा किसी गैसेस एटम में, और उस टाइम पर जो भी एनर्जी या तो रिलीज होगी या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और उसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी। तो जैसे कि आपके पास कोई एटम है अभी गैसेस स्टेट में, उसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक्स नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि ये जो आयन है वो एनायन बन गया है क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब जो पहली बात आपने ध्यान रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी है EGE, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। यानी कि आयनाइजेशन एन्थैल्पी तो हमने क्या देखा था, वो तो हमेशा ही आप लोगों की क्या होती थी, पॉजिटिव होती थी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, डिपेंड है कि आप किस एलिमेंट के एटम की बात कर रहे हो। अब दूसरा जो पॉइंट आपने याद रखना है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी नेगेटिव होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन गेन करना या इलेक्ट्रॉन ऐड करना उतना ही इजी होगा। इसको समझने के लिए दो डाटा ले लेते हैं। एक एलिमेंट है जिसकी एटम की इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी है मान लो 100 जूल, -100 जूल, और एक है माइनस का 70 जूल। तो हमने क्या लिखा, जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी ज़्यादा नेगेटिव होगी उसका इलेक्ट्रॉन गेन करना उतना आसान रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 100 जो है वो नेगेटिव में ज़्यादा है, तो इसका मतलब है ज़्यादा नेगेटिव है ये, तो ये वाला जो एलिमेंट का एटम है वो इलेक्ट्रॉन गेन ज़्यादा इजी करेगा एज कंपेयर टू -70 के। तो यानी कि अगर नेगेटिव कम होता जा रहा है तो फिर इलेक्ट्रॉन गेन करना डिफ़िकल्ट होता रहता है। अच्छा, इसके बाद हमने बात की कि इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी पॉजिटिव भी हो सकती है, तो ये तो नेगेटिव की बात रह गई। अगर मैं आपके पास नोबल गैसेस की बात करूं, जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, तो ये सारे नोबल गैसेस हैं, इनका आउटर शेल कम्प्लीटली फिल्ड होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं होने देते क्योंकि इनका शेल कम्प्लीट है। तो अगर हम लोग ज़बरदस्ती इनको इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, और इस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी जो है वो पॉजिटिव होती है। क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, सपोज कर लो मैं नियोन की बात कर लेता हूँ, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, 1s2 2s2 2p6, तो इसका आउटर शेल कम्प्लीटली फिल्ड है। अब अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहता हूँ तो वो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा 3s ऑर्बिटल में, जिससे ये हाईली अनस्टेबल बन जाएगा। इसीलिए, क्योंकि ये अपने आप को अनस्टेबल क्यों करना चाहेगा, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहता हूँ तो मुझे एनर्जी देनी पड़ती है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी नोबल एलिमेंट्स के केसेस में पॉजिटिव होती है। अदरवाइज जो एलिमेंट ईजिली इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, जैसे कि फ्लोरिन है, फ्लोरिन का एटॉमिक नंबर 9 है, 1s2 2s2 2p5। अब फ्लोरीन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, तो ये फटाफट एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, तो इसका मतलब है इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी बहुत ज़्यादा हाई मिलेगी। और इनफैक्ट फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी होता है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी की जनरल ट्रेंड आ गया। अच्छा, अब जनरल ट्रेंड मैं मतलब बताता हूँ कि आपको क्या चीज़ है। तो सबसे पहले बात करेंगे अलोंग द पीरियड की, यानी कि लेफ्ट टू राइट। तो जनरल ट्रेंड में लेफ्ट टू राइट यानी पीरियड वाइज आप मूव करते हो ऐसे,
तो आपको पता है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन्स की जो गिनती है वो इंक्रीज हो जाएगी। प्रोटॉन्स के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट जाते हुए, तो ऑटोमेटिकली है इलेक्ट्रॉन गेन करना जो है वो इजी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ने एटम में जुड़ना है तो उसके पास नेगेटिव चार्ज है, उसको कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज। और हम लोग बात कर रहे हैं एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हुए प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान हो रहा है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट जाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव होती जाती है। लेकिन आप लास्ट ग्रुप की बात नहीं कर रहे हो, कि 18th ग्रुप नॉबल एलिमेंट्स का ग्रुप है, वो आउटर शेल कम्प्लीटली फिल्ड है, तो उसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है। अच्छा, अब अगर बात करेंगे हम लोग ग्रुप की, यानी कि ऊपर से नीचे आएंगे, टॉप टू बॉटम लाइक दिस। अब आप अगर ऊपर से नीचे जाते हो तो आपको पता है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, वही कहानी, तो फिर प्रोटॉन भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, तो पॉजिटिव चार्ज भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या होना चाहिए, इजी होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक फैक्टर और भी है साइज वाला। जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो साइज इंक्रीज होता है, साइज का मतलब एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। अगर रेडियस बढ़ेगा तो जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस एंड वेल शेल का वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो फिर इसका मतलब है जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू पुल इलेक्ट्रॉन, वो कम हो जाएगी, दूरी बढ़ गई। वैलेंस शेल की न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती जा रही है, अगर दूरी बढ़ती जा रही है तो फिर न्यूक्लियस के लिए मुश्किल होता जा रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर से खींचकर एटम में जोड़ सके। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यानी कि एक फैक्टर है टॉप से बॉटम में जो इलेक्ट्रॉन गेन इजी कर रहा है, और एक है जो इलेक्ट्रॉन गेन डिफिकल्ट कर रहा है। तो आपको जान के खुशी होगी कि ये वाला जो फैक्टर है वो जीत जाता है, यानी कि रेडियस जो है उसका इफेक्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एटॉमिक नंबर, और इसीलिए डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन डिफिकल्टी से होता है, और यहाँ पर अलॉन्ग पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन ज़्यादा आसानी से होता है। तो ये आपको याद रखना है ट्रेंड, कि अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो चार्ज की बात करो, और अगर आप टॉप से बॉटम की बात कर रहे हो तो आपको रेडियस या साइज का बात करनी है। ओके, अब बात करेंगे एक्सेप्शनल केसेस की। एक्सेप्शनल केसेस, मैं यहाँ पर जो इन्होंने अपनी बुक में दी हुई है एग्जाम्पल, ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 17, ऑक्सीजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर और फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, OFSC, ठीक है। अब देखिए, अब भाई अपन ट्रेंड क्या पड़ा है कि अगर अपन डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन करना डिफिकल्ट होना चाहिए, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, नीचे जाते हुए लेस नेगेटिव होनी चाहिए। ये एक जनरल ट्रेंड है, जनरल में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप लेस नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन को गेन करना मुश्किल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर केस उल्टा है, ये वाला जो केस है वो उल्टा है। यहाँ पर जो सल्फर है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव है ऑक्सीजन से, और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव है फ्लोरीन से। क्यों है, आइए जानते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा ऑक्सीजन और फ्लोरीन में, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड होगा, इलेक्ट्रॉन विल बी एडेड टू 2p ऑर्बिटल,
अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 होता 8 होता है, 1s2 2s2 2p4। और अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं, 1s2 2s2 2p5। तो दोनों के केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 ऑर्बिटल में ऐड होगा। लेकिन अगर मैं सल्फर की बात करूं या फिर क्लोरीन की बात करूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो 3p में ऐड होगा। अब जो 2p है, 2p का जो साइज है वो स्मॉल है। स्मॉल साइज होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि 2p तो एक स्मॉल ऑर्बिट हो गया, तो उसका जो साइज छोटा होने की वजह से जितने इलेक्ट्रॉन पहले हैं, 4 हैं या 5 हैं, जब एक और इलेक्ट्रॉन आएगा तो छोटी जगह होने की वजह से उनमें रिपल्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जब रिपल्शन ज़्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करना डिफ़िकल्ट बना देंगे। लेकिन अगर आप सल्फर और क्लोरीन की बात करो तो इनका जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो होगा 3p ऑर्बिटल में। 3p ऑर्बिटल का जो साइज है वो लार्ज है, लार्ज साइज है एज कम्पेयर टू 2p, तो लार्ज ही होगा। तो यहाँ पर भी रिपल्शन तो होगी, लेकिन जो रिपल्शन है यहाँ पर वो कम होगी। और जब रिपल्शन कम है तो फिर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जल्दी ऐड होगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर और क्लोरीन की ज़्यादा नेगेटिव है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। होना ट्रेंड उल्टा चाहिए था, लेकिन ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, दो आपको दिए हैं बुक में और ये आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट की डिपेंड करती है कि वो किसी दूसरे एलिमेंट से बॉन्ड बना रहा है। मतलब अकेले एलिमेंट की कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, हालांकि वैल्यूज़ इन्होंने असाइन की हुई हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपरली कंसेप्ट की बात करोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू तब है जब एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्डेड होता है। अब इसको बताने के लिए काफ़ी सारे स्केल डेवलप किए हैं, जैसे कि पॉलिंग स्केल है, मिलिकन ज़फे स्केल है, एलिड रोशो स्केल है, और जो सबसे ज़्यादा मतलब यूज़ किया जाता है वो पॉलिंग स्केल है। पॉलिंग स्केल, और इस स्केल के अकॉर्डिंगली फ्लोरीन को 4 की जो वैल्यू है वो असाइन की गई है इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन जैसे मैंने बोला, ये सिर्फ एक वैल्यू प्रोवाइड कर दी गई है, अदरवाइज रियलिटी में वो डिपेंड करता है कि जैसे फ्लोरीन है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, कार्बन के साथ, किसी के साथ जुड़ा हुआ है, उस पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू। और इन्होंने टेबल में आपको वैल्यू दी हुई है, लिथियम की 1, बेरिलियम की 1.5, बोरोन की 2, तो 0.5 का गैप रखा हुआ है और क्लोरीन का 4 रखा हुआ है। अब हम लोग एक जनरल ट्रेंड पढ़ते हैं कि किस तरीके से ये वेरी कर रहा है। और अगेन हम लोग ग्रुप 18 को एक्सक्लूड करेंगे, नोबल गैस एलिमेंट को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। सबसे पहले पीरियड की बात करते हैं, लेफ्ट टू राइट, वही कंसेप्ट है। लेफ्ट टू राइट देखना है तो मुझे एटॉमिक नंबर पे ध्यान रखना है। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, प्रोटॉन्स की गिनती, तो प्रोटॉन्स भी इंक्रीज होंगे। प्रोटॉन्स इंक्रीज हो गया तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, तो फिर इलेक्ट्रॉन को, या इधर मैं लिखूंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंगली, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पुल करना क्या होगा, आसान। तो यानी कि अगर आप किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, ये आपको पता है। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है,
पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो मतलब जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पुल करने की टेंडेंसी भी इंक्रीज हो रही है, ये चीज़ें तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर अलोंग द ग्रुप की बात करेंगे तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव का कंसेप्ट तभी है कि जब किसी के साथ बॉन्डिंग में है और जब इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी पुल करने की कैपेबिलिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। अब बात करेंगे एक ग्रुप की, ग्रुप में हमें कहाँ पे जाना है, हमें जाना है टॉप से बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे। जब आप ऊपर से नीचे जा रहे हो तो अगेन आप क्या देखोगे, आप देखते हो एटॉमिक नंबर वाली कहानी, या मैं कहता हूँ एटॉमिक नंबर वाली कहानी को तो रहने ही दो, आप लोग दिमाग में मत रखो, आप साइंस की बात करो। जब ऊपर से आप नीचे आते हैं तो क्या होता है, शेल इंक्रीज होते हैं, शेल बढ़ते जाते हैं। जब आप टॉप से बॉटम आते हो किसी भी ग्रुप में तो शेल बढ़ने से जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होता है। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस और वैलेंस शेल का वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अब जब डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको पुल करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी क्योंकि दूरी बढ़ रही है। और जब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी कम हो रही है तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में इंक्रीज होती है लेकिन ग्रुप में डिक्रीज होती है, और रीजंस आपके सामने लिखे हुए हैं। ओके, तो इससे और चीज़ भी बड़ा क्लियर है कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी बढ़ रही है कि इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ रहा है तो फिर इसका मतलब क्या हो गया कि कौन सा करैक्टर बढ़ेगा, नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होगा, क्योंकि नॉन मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेना। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी कम हो रही है, तो यानी कि कौन सा करैक्टर बढ़ रहा है, मेटालिक करैक्टर बढ़ रहा है। तो डाउन द ग्रुप मेटालिक करैक्टर बढ़ता है और पीरियड में नॉन मेटालिक करैक्टर बढ़ता है। तो इस तरीके से ये हम लोगों का डन हुआ। आई जस्ट होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।